गिव अवे ये मिलने वाला है, और जो नेक्स्ट हम लोग गिव अवे रखने वाले हैं उसके अंदर हम लोग देने वाले 32 इंचेस का, और ये है 24 इंच का। ये आपको चला जाता है 5000 रुपए में, 5000 रुपीज में आपको मिल रहा है फिलिप्स का टीवी। तो ये आपको चला जाता है सैमसंग का 6000 रुपए में, 1000 के आसपास आपको एंड्रॉइड टीवी मिलती है, 10000 के इसमें भी मिल जाएगी। और इसके अंदर भी देखो आप, मैं बताया आपको एलईडी जो है ये आराम से, आप इसके ऊपर बॉल भी लगता है तो कुछ नहीं होता है, ये कड़क एकदम रहता है इसका वैरायटी जो रहता है, जो कि 1GB 8GB 9.0 फ्रेमलेस, और इसके अंदर 2-3 वैरायटी इसमें भी आती है। तो ये आपको चली जाती है 12,500 में, तो ये आपको चली जाती है सिर्फ 18,000 रुपीज में, 18,000 रुपीज में आपको मिल रही है स्मार्ट टीवी सैमसंग की। हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम। तो गाइज हम लोग आज आए हुए हैं साई संगम इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि है कल्याण में, और जैसे कि पिछले बार मैंने वीडियोस बनाए थे, यहाँ पे सबसे सस्ते एलईडी मिलते हैं। आप गूगल पे सर्च मारोगे सबसे सस्ता एलईडी इन मुंबई, तो सब वीडियोस इनके आएंगे, क्योंकि पूरे यहाँ पे सबसे सस्ता एलईडी यही मिलता है मुंबई में, और कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, घर बैठे आप मंगा सकते हो इनके पास से। और इनके पास टीवी की स्टार्टिंग जो रेंज है वो चालू होती है 3,500 रुपये से, तो खत्म होती है इनके पास 4 लाख तक। और इनके पास दो वैरायटीज है, जैसे कि बहुत से लोग ने न्यू वीडियोस आपने देखे रहेंगे पिछले बार के, इसमें न्यू टीवीज रहती है, बहुत से लोग रहते हैं जिसका बजट कम रहता है पर उनको चाहिए ब्रांडेड टीवी, तो उसके लिए लोग ने और एक किया हुआ है सेकेंड हैंड टीवीज का, जो कि यहाँ पे आपको दिखा दूं एक बार, यहाँ पे आपको पूरी वैरायटीज मिलने वाली है, एलजी मिलने वाली है, फिलिप्स मिलने वाली है, सोनी मिलने वाली है, सैमसंग है, सब वैरायटीज यहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी है बहुत ही बेस्ट रेट में, और ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और प्लस न्यू जो टीवीज है, न्यू की बात है तो न्यू यहाँ पे 3,500 से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे अलग अलग है, और प्राइस जो रहेगी वो है ऑनलाइन से बहुत ही सस्ता और अच्छा प्राइस मिलने वाला है, वारंटी 1 साल की रहेगी, वो भी ऑन साइड सर्विस। तो गाइस बता दूं, मेरा एक चैनल है जिसका नाम है कल्याण का ललित, जिसके अंदर मेरे पर्सनल ब्लॉग्स आते हैं, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और साथ ही साथ बता दूं, मैंने इसके लिए भी गिव अवे रखा हुआ है, जो भी मेरा बेस्ट कमेंट के लिए आएगा उसको ये वाला एलईडी गिव अवे में मिलने वाला है, जो कि है 19 इंच का, वो गिव अवे में मिलने वाला है। और पिछले बार के जो हमारे गिव अवे है, 5 लकी विनर के नाम सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत ही जल्द वो मैं बताने वाला हूँ, और वो लोगों को मैसेज भी आ जाएगा। तो मेरा इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेश्चन रहा तो वहां पे पूछ सकते हो। तो गाइस ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलेंगे ब्लॉग की तरफ। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। तो गाइस जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं 3,500 रुपए से, 3,500 में ये आपको मिलने वाली है, जैसे कि गोरिल्ला ग्लास वाली। यहाँ पे मैं एक बार आपको इसका भी बता दू, बॉल चला के बता दो इसके ऊपर, आपको ये देख सकते हो गोरिल्ला ग्लास वाली आपको मिलने वाली है, यहाँ पे बॉल भी लगेगा तो टीवी को कोई इश्यू नहीं होने वाला है यहाँ पे। और ये आपको 3,500 रुपए में जाती है, पर बता दू ये चाइना आइटम आता है, ये आपको 3,500 रुपए में नॉन वारंटी में मिलता है, ये गारंटी मतलब चल जाती है टीवी आज तक जो भी लेके गया इनके पास से, वापस तो आई नहीं, पर ये सीसीटीवी के लिए, साथ ही साथ आपको पीसी के लिए यूज होता है, या छोटा सा रूम रहेगा उसके लिए यूज होता है, ये आराम से चल जाती है 3,500 रुपए में आपको आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे है 24 इंच का, और 24 इंच में आपको 2-3 कंपनी मिलती है, इसमें मिलती है मीडिया टेक, इंडियन कंपनी में मीडिया टेक मिलती है, मीडिया बॉस मिलती है, मार्क्सन मिलती है, मीडिया वन, ऐसी कंपनीज है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चल रही है, और बेस्टोन कंपनी, जैसे कि मीडिया बॉस कंपनी इनकी ऑन कंपनी है, और बाकी की जो कंपनी है वो इंडियंस कंपनी ही है। तो इसकी जो रेंज मिलती है इसके अंदर 24 इंच में, अगर आप नॉर्मल टीवी में लेने जाते हो तो वो आपको 8,000 के आसपास पड़ती है, अगर आप इसके इसमें जाते हो स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी में जिसके अंदर आपको 512 रैम 4GB इंटरनल में भी 5.1 वाला, तो वो आपको मीडिया टेक में आ जाती है, वो आपको चली जाती है 10,000 रुपए में। 11,000 रुपए में आपको मीडिया बॉस मिलता है, साथ ही साथ आपको मार्क्सन मिलता है, मीडिया वन मिलता है, ये आपको तीनों टीवी मिलती है 11,000 रुपए में। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपको 1GB 8GB 9.0 एंड्रॉइड वर्जन, और साउंड जो है वो बढ़ जाता है, क्वालिटी जो रहती है वो अच्छी आ जाती है, इसकी वजह से प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। 11,000 के आसपास आपको एंड्रॉइड टीवी मिलती है, 10,000 के इसमें भी मिल जाएगी। जैसे कि ये मीडिया टेक की बात हो गई, और इसके बाद चले जाते हैं यहाँ पे 32 इंच में। तो 32 इंच में आपको मिल जाती है मीडिया बॉस कंपनी में, फ्रेमलेस है, मार्क्सन में भी है, मीडिया वन में भी है, बेस्टोन में भी है, ये सब इंडियन कंपनी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको।
मीडिया बॉस का लेने गए तो मीडिया बॉस आपको चला जाता है ये वाला, जो कि 1GB 8GB 9.0 फ्रेमलेस, और इसके अंदर दो तीन वेराइटीज में भी आती है। तो ये आपको चली जाती है 12,500 में, 12,500 रुपए में आपको एंड्रॉयड टीवी मिल रही है, वो भी घर बैठे आपको। और इसके अंदर दूसरी वैरायटी आती है, जो कि आती है 2GB 16GB 9.0 वॉइस असिस्टेंट रिमोट, वॉइस असिस्टेंट रहता है उसके अंदर, उसका वो टीवी आंसर देगा वैसी वाली टीवी, तो वो टीवी भी आपको मिल जाएगी, वो जाएगी 14,000 और ये जाएगी 12,500। और इसके बाद भी और भी वैरायटीज है, जैसे कि एक आ जाती है ये वाली टीवी, इसके अंदर भी 2GB 16GB 9.0 आ जाता है, और इसके अंदर भी देखो आप, मैं बताया आपको एलईडी जो है ये आराम से आप इसके ऊपर बॉल भी लगता है तो कुछ नहीं होता है, ये कड़क एकदम रहता है, इसका वैरायटी जो रहता है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की रहती है। ये आपको चली जाती है 15,000 में एक साल की वारंटी के साथ, और ये जाती है आपको जैसे कि 13,000 बताया, जैसे कि इसमें मार्क्सन में भी अवेलेबल है, मीडिया बॉस में भी अवेलेबल है, मीडिया वन में भी अवेलेबल है, बेस्टॉन में अवेलेबल है, और भी कंपनीज है जो हमारे पास इंडियन कंपनी में बोले जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। वहां पे चले जाए बेस्टॉन कंपनी का, तो बेस्टॉन कंपनी में आप देख सकते हो, तो बेस्टॉन कंपनी में आपको हाई क्वालिटी मिलने वाली है, और क्वालिटी जो आपको रहेगी एकदम बेस्ट रहेगी। उसके अंदर आपको 1GB 8GB 9.0 पर ये आपको चली जाती है थोड़ी महंगी, तो ये जाती है 16,500 के आसपास। इसके बाद जाती है यहाँ पे जो कि आपको आती है 1GB 8GB 9.0 पर, इसके अंदर आपको नॉर्मल टीवी रहती है, इसके अंदर वॉइस रिमोट विमोट कुछ नहीं रहता है, ये 17,000 में जाता है। इसके अंदर भी आपको YouTube, Netflix, Amazon बहुत सारे ऐप्स है जो कि आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आती है यहाँ पे मार्क्सन कंपनी में, मार्क्सन में भी दो तीन वेराइटीज है, इसके अंदर आप जाते हो मीडिया बॉस, मार्क्सन और मीडिया वन, ये कंपनीज में, तो आपको वॉइस असिस्टेंट वाला मिलता है 2GB 16GB 9.0 एंड्रॉइड वर्जन वाला। इसके अंदर आपको जो क्वालिटी मिलने वाली है पांडा पैनल की क्वालिटी मिलने वाली है, जो कि आप किसी के भी जो भी ब्रांडेड है उसके साथ टक्कर में ये आपको बेस्ट रहेगी। इसके बाद यहाँ पे चला जाता है आपको 43 इंचेस का, 43 इंचेस में फ्रेमलेस है, उसके साथ साथ विदाउट फ्रेम चाहिए तो विदाउट फ्रेम है, वॉइस वाला चाहिए तो वॉइस वाला है, ये आपको चला जाता है फ्रेमलेस वाला विदाउट वॉइस का 22,000 रुपए में, विथ वॉइस वाला जाता है आपको 23,000 रुपए में। और इसकी भी क्वालिटी आपको आईपीएस पैनल ही मिलती है जो कड़क रहती है। और उसके बाद चले जाते हैं 50 में, ये है 50 इंचेस का, 50 इंचेस में आपको वही सेम कंपनी मीडिया बॉस, मार्क्सन और साथ ही साथ मीडिया वन, बेस्टॉन, ये सब इंडियन कंपनी में बता रहा हूँ, ये इंडियन कंपनी में मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको फुल HD आता है, 4K आता है, दो मॉडल आता है। फुल HD में आपको साउंड बार मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको पूरी तरह से साउंड बार मिलेगा। इसके अंदर 1GB 8GB इसके अंदर भी वॉइस रिमोट रहता है, और आपको दो रिमोट इसके साथ मिलते हैं, एक नॉर्मल रिमोट रहता है और एक वॉइस वाला रिमोट रहता है। तो प्राइसिंग जो रहती है ये आपको चला जाता है, जैसे कि आप विदाउट फुल HD ओनली फुल HD लेते हो तो ये आपको 28 में जाता है, इसमें आप 4K लेते हो तो आपको 30 में जाता है, 30,000 रुपीज में जाता है। और जैसे कि गिव अवे की बात किया है तो इसके अंदर से पहले जो वीडियो है उसके अंदर गिव अवे ये मिलने वाला है, और जो नेक्स्ट हम लोग गिव अवे रखने वाले हैं उसके अंदर हम लोग देने वाले 32 इंचेस का। अब जैसे कि बात हो गई यहाँ की, अब ये छोटे है, इसके बाद 55 भी है, 55 इंचेस का, 55 इंचेस का आपको जाता है 35,000 38,000, सेम मॉडल रहेगा यही, पर साइज जो है वो बढ़ जाएगा, उसके अंदर वही 1GB 8GB 9.0 एंड्रॉइड वर्जन और वो वाला रहेगा। तो गाइस जैसे कि अभी बात करते हैं हम सेकेंड हैंड टीवीज की, तो सेकेंड हैंड टीवीज में पहले ही यहाँ पे है फिलिप्स का टीवी, जो कि आपको आ जाता है USB इसके अंदर, और साथ ही साथ HDMI ये सब पोर्ट मिलने वाले हैं इसके अंदर, आप फायर स्टिक लगा के भी यूज कर सकते हो इसको। और ये है 24 इंच का, ये आपको चला जाता है 5,000 रुपए में, 5,000 रुपीज में आपको मिल रहा है फिलिप्स का टीवी। और उसके बाद चले जाते हैं और एक है यहाँ पे सैमसंग का, सैमसंग का ये भी 24 इंचेस का है, वो भी HD टीवी है, इसके अंदर भी USB पोर्ट, HDMI पोर्ट और AV पोर्ट ये सब पोर्ट दिए हुए, इसमें भी आप फायर स्टिक लगा के भी यूज कर सकते हो। तो ये आपको चला जाता है सैमसंग का 6,000 रुपए में, और सबसे हाई जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये थोड़े हाई रेंज में जाता है सोनी का, जो कि आपको चला जाता है HDMI पोर्ट से, सब पोर्ट से, इसके अंदर USB भी है, ये आपको चला जाता है 7,000 रुपए में। अब जैसे कि मैंने ये प्राइस बताई है तो ये कैसे 50% ऑफ में कैसे होती है, क्योंकि इसका नए का रेट चल रहा है 12,000 तो ये आपको मिल रही है 5,000 रुपए में, इसका नए का रेट चल रहा है 14,000 तो ये आपको मिल रही है 7,000 रुपए में, और इसका नए का रेट है 13,000
और ये आपको मिल रही है 6000 रुपये में। ये समझ के चल लीजिए आपको 50 to 70% ऑफ में ही मिल रही है। और जो भी टीवीज़ है फुली कंडीशन में है, आपको इसके साथ 15 डेज सर्विस वारंटी मिलती है। 15 डेज सर्विस वारंटी ये सब में रहती है। इसके बाद यहाँ पे जाते हैं एलजी का, ये एलजी का टीवी है, ब्रांड न्यू कंडीशन में है। यहाँ के स्टिकर्स भी नहीं निकले, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो स्टिकर्स है वो वैसे के वैसे ही है। और फुल एचडी है, यूएसबी कंट्रोल है, आईपीएस पैनल है। और ये आपको चली जाती है, ये आपको फाइनल रेट बता रहा हूँ 8500 रुपये में ये आपको चली जाती है फुल एचडी। इसके अंदर भी 15 डेज सर्विस, ये जो भी है सेकेंड हैंड में 15 डेज सर्विस हर चीज़ में है। फिर इसके बाद जाते हैं सैमसंग में, सैमसंग टीवी है जो कि है एंड्रॉयड पर, एंड्रॉयड नहीं आपको नॉर्मल यूज़ के लिए होगा क्योंकि इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है 4.4.4 है। तो स्टार्टिंग में आपको गूगल जो आएगा वो बंद चालू होगा, उसके बाद आपको ये नॉर्मल टीवी यूज़ करने को मिलेगी। ये आपको चली जाती है 7000 रुपये में 32 इंचेस का, वो भी जैसे कि एंड्रॉयड यूज़ नहीं है मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट नॉर्मल ही है, ये आपको चली जाती है। इसके बाद मिटाशी का है, मिटाशी कस्टमर से जो आया हुआ है ये सिर्फ चला हुआ है 1.5 महीना, और टीवी जो है यही समझ के चलना ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है। और इसकी भी 15 डेज सर्विस वारंटी मिलने वाली है। ये फुल एचडी है, फायर स्टिक यूज़ कर सकते हो, एचडीएमआई एवी पोर्ट सब है इसके अंदर। ये आपको चली जाती है 12500 रुपये में जो कि है 40 इंच का, वो भी ब्रांड में। इसके बाद चले जाते हैं यहाँ पे सैमसंग में, सैमसंग है ये है जैसे कि स्मार्ट फुल एचडी, और इसके अंदर आपको यूट्यूब फेसबुक ट्विटर सब ए टू जेड फीचर्स है। ये स्मार्ट में बोला जाता है, जैसे कि इसके अंदर डाउनलोड नहीं कर सकते बाकी सब है। तो ये जैसे कि सैमसंग का जो न्यू का रेट चल रहा है इसका आज का, वो आज का रेट है कुछ 42000 के आसपास। तो ये आपको चली जाती है सिर्फ 18000 रुपीस में, 18000 रुपीस में आपको मिल रही है स्मार्ट टीवी सैमसंग की। और इसके बाद जाते हैं एलजी जो कि है 4K एलजी टीवी है। इसका है कुछ 6 ऐसे कुछ मॉडल है, ये ऑनलाइन का रेट चल रहा है इसका कुछ 60000 के आसपास, 60000 के आसपास जाता है। पर ये आपको चली जाती है मेरे जो ये शॉप है उसके थ्रू, आपको हमारी तरफ से ऑफर मिल रहा है जैसे कि मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो ये आपको चली जाएगी 28000 रुपीस में। और जैसे कि गिव अवे तो अपना रहेगा ही, गिव अवे में आपको जो मिलने वाला है 19 इंच का एलईडी तो वो तो रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वैरायटी जो मिलने वाली है, हर एक टाइप की वैरायटी मिलने वाली है, क्वालिटी जो मिलने वाली है बेस्ट क्वालिटी मिलने वाली है, छोटी 3500 रुपये से लेके सेकेंड हैंड में यहाँ पे है एलईडी वो सब मिल जाने वाले है। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ का पूरा डिटेल्स बता दिया है, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ फोन नंबर आ रहा है, डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें सेक्शन में लिखिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।